हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है और एक्सेस में एक कमांड है और वो कमांड क्या है, डेट का कमांड है। तो आइए एसक्यूएल व्यू में एक्सेस में देखते हैं वो डेट का कमांड हम कैसे यूज करेंगे और उसका क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए आइए अब यहाँ पे ब्लैंक डाटाबेस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करके सीधा यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये जो है ये आपका डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम यही रख करके और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से आ जाता है। अब सबसे आसान तरीका है कि आप यहाँ पर क्लिक करके और सीधा जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमें एसक्यूएल व्यू में चलना है तो क्रिएट पे जाके, क्वेरी डिजाइन पे जाके और यहाँ पर एसक्यूएल नजर आएगा, क्लिक कर दीजिएगा। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पर टेबल बनानी है, तो मैंने टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्रिएट कमांड बताया था और यहाँ पर टेबल जिस भी नाम से बनानी हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट के नाम से बनानी है तो प्रोडक्ट दे दीजिए नाम और यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट कर देते हैं, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, ठीक है। तो नेम ऑफ प्रोडक्ट ये हो जाएगा और नेम ऑफ प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ पर डेटा टाइप जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेटा टाइप का नाम हो जाएगा यहाँ पर टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट कर दिया है इस बार, ठीक है। फिर कॉमा देंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट की एक्सपायरी आएगी तो एक्सपायरी का कौन सा डेटा टाइप होगा, यहाँ पर ये सवाल है। तो यहाँ आप पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है सिंपली डेट, क्या लिखना है, डेट लिखना है इस तरीके से और डेट लिख करके इसको बंद करना है और टर्मिनेशन देना है, टर्मिनेशन दे करके और अब इसको चलाना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, आप इसको जैसे ही चलाएंगे तो देखिए यहाँ पर गलत हो गई है, तो सी आर ई ए टी ई, ठीक है। तो यहाँ पर ए बस लिख देते हैं, हो गया। तो यहाँ पर टेबल भी लिखना होता है हमें, तो यहाँ पर ये क्रिएट टेबल भी लिख लीजिएगा और टेबल लिख करके और तब यहाँ पर जब इसको चलाएंगे तो यहाँ पर डेट भी इंसर्ट होता हुआ नजर आएगा, तो क्लिक करिए और यहाँ पे प्रोडक्ट नाम से टेबल बन गई है, देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सपायरी भी आ रहा है और यहाँ पर जो है इस तरीके से ही आ रहा है। तो यहाँ पर जब जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको डेट वाला ये मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो यहीं से रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा ये, जैसे मान लीजिए नेम ऑफ प्रोडक्ट में राइस डाल देते हैं और यहाँ पे एक्सपायरी डाल देते हैं, एक्सपायरी तो खैर होती नहीं है, यहाँ पे जैसे पिकल डाल दिया, पी आई सी के एल पिकल, ठीक है, और इसकी एक्सपायरी डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये अगर डब्बे वाला है और इसकी एक्सपायरी जो है 2025 में होनी है तो यहाँ पे 25 खाली कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए बिस्किट है या कोई भी टॉफी चॉकलेट कुछ भी ऐसे है तो यहाँ पे चॉकलेट कर देते हैं, चॉकलेट, ठीक है, ये हो गया चॉकलेट। और चॉकलेट की जो एक्सपायरी है वो यहाँ पे डाल देते हैं, तो यहाँ पर ये एक्सपायरी है और यहाँ पे 24 की जगह यहाँ पे 25 कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से ये आएगा, ठीक है। आप यही डेटा जो यहाँ से इंसर्ट करा रहे हैं आप इंसर्ट कमांड के थ्रू भी जा सकते हैं। कैसे जाएंगे, पहले तो इस क्वेरी को सेव कर देते हैं और सेव करके यहाँ पर इसे मैं प्रोडक्ट क्यू नाम दे देता हूँ, ये हो गया प्रोडक्ट क्यू, एंटर कर दिया और इन दोनों को क्लोज कर देते हैं। तो अभी तो काम हो गया है तो इन दोनों को क्लोज ही करना होगा। अब यहाँ पे नई क्वेरी, क्योंकि इंसर्ट करना है रिकॉर्ड तो यहाँ पे नई क्वेरी तो बनानी ही होगी, तो यहाँ पे क्या चला देंगे, इंसर्ट इनटू, क्या चलाएंगे, इंसर्ट इनटू चलाएंगे। और यहाँ पे किसमें इंसर्ट कराना है, तो प्रोडक्ट में, तो पी आर ओ डी यू सी टी प्रोडक्ट हो गया, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक एक फील्ड का नाम हमें डालना है। तो यहाँ पे दो ही फील्ड है, नेम ऑफ प्रोडक्ट है, देख लीजिए कैसे लिखा है, और दूसरा एक्सपायरी है, तो बस हमें वही लिखना है। तो यहाँ पे कर देते हैं एन एम ई नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट और एक्सपायरी, ठीक है। तो ये नेम ऑफ प्रोडक्ट हो गया, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे ई एक्स पी आई आर वाई एक्सपायरी हो गया और एक्सपायरी देकर के बंद करके करेंगे, एंटर करेंगे और अब जो है यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे इसमें। तो ये वैल्यूज हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट में, अब हम क्या डाल देते हैं, तो यहाँ पे सिंगल डॉट कॉमा का यूज करके यहाँ पे डाल देते हैं हम क्या, पल्स, क्या रख देंगे, पल्स, पी यू एल एस ई, पल्स हो गया और इसको बंद करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में क्या आएगा, 2/5/2026 कर देते हैं, तो ये 26 कर दिया। और यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि जब हम इसे करेंगे तो इसे भी सिंगल डॉट कॉमा में रखना होगा, पूरा डेट जो है क्या होगा, सिंगल डॉट कॉमा में रहेगा। इसको बंद करके टर्मिनेशन देंगे और टर्मिनेशन देके तब इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, देखिए यहाँ पे एक रो हम अपेंड करने जा रहे हैं और इसमें अंडो कमांड की सुविधा मिलती नहीं है, ठीक है, तो ये अपेंड भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पल्स अपेंड हुआ है लेकिन ये डेट अपेंड नहीं हो पाया है। कारण क्या है डेट ना अपेंड होने के पीछे, कि हमने क्वेरी जो है यहाँ पे लिखा है, ये देखिए ये जो क्वेरी लिखा है इसमें डैश हट गया है जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पर जाकर के डैश बस लगा दीजिए और अब इसको वापिस से चला देना है। तो यहाँ से जाके इसको यहाँ से चला देते हैं और यहाँ पे कह रहा है यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, तो अब हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पे भी आ गया है। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं आप,
तो इसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं है, लेकिन चलिए देखते हैं एक बार, कोशिश करते हैं कि डिलीट होता है या नहीं। वैसे तो आप यहां से ऐसे करके डिलीट कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।